प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में करेंगे पहेलियाँ, यानी कि मैं आपको हमारी हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ पहेलियाँ पूछूंगी और आपको मुझे उसके जवाब देने हैं और आप साथ साथ उनको सोचना, फिर मैं आपको उनके उत्तर भी बताऊंगी। तो चलो करते हैं हम पहेलियाँ। बूझो बच्चों एक पहेली, सबकी है ये सखी सहेली, सभी नाम से इसे बुलाते, अध्यापक जी ये सिखलाते। सोचो बच्चों, सभी नाम से इसे बुलाते, यानी कि किसी भी वस्तु का क्या है नाम, वो इसमें आता है। यानी कि सही पहचाना आपने, मैं हूँ संज्ञा। संज्ञा हमें क्या बताती है? किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, तो ये है संज्ञा। चलो तो बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। चिड़िया एक, चिड़िया अनेक, फूल एक, भंवरे अनेक, एक अनेक का ज्ञान कराऊं, भाषा में मैं क्या कहलाऊं। बच्चों देखो, जो हमें बताता है कि यह चीज़ एक है और जो बहुत सारी होती है ये अनेक है, वो हमें कौन बताता है? वचन, यानी कि जिसमें आता है एक वचन और बहुवचन। सही पहचाना। चलो बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। सीधा अर्थ न मुझको आता, उल्टा काम ही मुझको भाता, उलट फ्लेट मेरा ही काम, वी अक्सर से मेरा नाम। यानी कि मैं क्या हूँ? बताओ बताओ, वी से विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, जो हमें क्या बताते हैं? उल्टे का बोध कराते हैं। यह सफ़ेद है, यह काला, यह कड़वा है, यह रस वाला, भांति भांति के गुण बतलाता, भाषा में मैं क्या कहलाता। बताओ, जो हमें किसी के गुण दोष बताता है वो क्या होता है? विशेषण। बिल्कुल सही। चलो तो बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। बार बार न लूँ एक नाम, यह वह कहकर बुलाता, तेरा मेरा मुझको आता, सोचो तो मैं क्या कहलाता। देखो, मैं बार बार किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं कहता हूँ यह वह इसका उसका। मैं कौन हूँ? मैं हूँ सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर आता है। बच्चों, हमने पहेलियों के माध्यम से जाना है कि जो हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विलोम शब्द, विशेषण होते हैं, वो हमें क्या बताते हैं? उनकी अपनी एक विशेषता है। तो बच्चों, आज हमने सीखा है पहेलियों के माध्यम से हिंदी व्याकरण के जो मेन विषय हैं, संज्ञा किसी का नाम, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, विशेषण जो किसी की विशेषता बताते हैं, वचन जो हमें एक का और अनेक का ज्ञान कराते हैं, और जो हमें किसी के गुण और दोष बताते हैं वो है विशेषण। ये आज हमने पहेलियों से सीखा है। आप भी नई नई पहेलियाँ खोजो और मुझे भेजो।